नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के पास एसएससी से अपडेट पल पल खबर हम हमारे चैनल पर अपलोडेड होते हैं, तो आज भी हम कुछ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह अपडेट आप सभी के लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी अपडेट है, किस अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसी के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बशर्ते वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से ज़रूर देखें, और एसएससी से की पल पल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। तो चलिए उस ऑफिशियली नोटिस के और चलते हैं, और इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, आईएसएससी की ओर से क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक पीडीएफ है जो कि एसएससी ने अभी अभी जस्ट तुरंत जो है इस पीडीएफ को अपलोडेड किए गए इम्पोर्टेंट अपडेट को, आइए इसी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में यहाँ पर वन बाय वन करके समझने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको भी समझाने का। तो चलिए यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है निकल के यहाँ पर एसएससी की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप सभी दोस्तों देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खास अपडेट है यहाँ पर इस अपडेट में। यही बात इसमें लिखे गए हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ कंडक्ट द कम्बन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन टीयर वन 2018 1/7 से लेकर 11/7 तक। आप सभी को पता है कि 1/7 तारीख से मतलब 1 जुलाई से लेकर जो है 11 जुलाई तक आपका परीक्षा चला था, जिसमें 9 दिन का परीक्षा चला था, टोटल 9 डेज का एग्जामिनेशन चला। अब उस 9 डेज में क्या क्या चीज़ कंडीशन आया है, वही चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सब साथ जो है सारा अपडेटिंग यहाँ पर आ चुके हैं, लिखे गए हैं यहाँ पर कि द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो CHSL की एग्ज़ाम हुई थी, आप सभी को पता है 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पूरा परीक्षा चला, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो करवाए थे 29.68 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन अपीयर जो हुए 13.17 लाख, यानी कि सोचे जाए कि यहाँ पर 50% भी लोग परीक्षा देने के लिए नहीं आए, जैसे कि जिस तगाद पर जो है जिस जुनून से लोग भरे थे, जिस जुनून से कैंडिडेट भरे थे, उस जुनून से देखे जाए तो 50% भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका आधा करते हैं, 29 का अगर आधा करते हैं तो कम से कम जो है 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 13.17 है, यानी 50% भी लोग जो है यहाँ पर नहीं आए, यानी कि ओवल और अटेंडेंट अगर आप देखे जाए तो 44.37% ही लोग जो है कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हो पाए। अगर नंबर ऑफ शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए थे वो 25 शिफ्ट का परीक्षा हुए थे, यानी 25 बार यहाँ पर परीक्षा हुई। अगर नंबर ऑफ वेन्यू के बारे में बात करते हैं, मतलब कितने जगहों में यह परीक्षा ली गई, तो 361 जगहों पर जो यह परीक्षा को आयोजित की गई। इसके साथ साथ बता दें दोस्तों, नंबर ऑफ सिटीज इन विच एग्जामिनेशन कंडक्ट, यानी कि 146 सिटीज के अंदर जो है इस परीक्षा को जो है कंडक्ट की गई, 146 सिटी के अंतर्गत जो है इस परीक्षा को ली गई। अगर हम लोग कंडक्ट करते हैं स्टेट के बारे में, तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टेट है वो 33 स्टेट के भीतर जो यहां पर परीक्षा जो है ली गई थी। अगर आपका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है 11/9 को पब्लिश कर दिए जाएंगे, यानी कि 11 सितंबर तक जो है आप सभी के एग्जामिनेशन का यहां पर रिजल्ट आ जाएंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट है जो कि एसएससी की ओर से अपने रिजल्ट के बारे में डेट पहले ही बता दिए कि हम इतना तारीख को आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो CHSL की जो तैयारी कर रहे थे उन दोस्तों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है कि ऐसे ही 50% जो है बच्चे ऐसे ही छट चुके हैं, 50% से ही कंपटीशन करने वाले हैं, यानी कि जो बच्चे 50% नहीं दिए हैं वे तो ऐसे ही खत्म होगी, उनका तो जॉब होगा ही नहीं, लेकिन जो 50% जो और बचे वो 50% में ही 50% में ही फाइटिंग आपका होने वाले, यानी कि 50% में ही हारोंगे, 50% में ही जीत होंगे। अब यह देखना है 11 तारीख को, यह देखेंगे कि किन कैंडिडेटों का इसमें जॉब हो पाते हैं, किन कैंडिडेटों का जॉब नहीं हो पाते हैं। तो यह चीज़ देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जब भी CHSL या SSC
से जुड़े कभी भी नए नए अपडेट आएंगे तो सबसे पहले सारे अपडेट इसी चैनल पर मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो कि आप सभी को बताना जरूरी थे। आपको ये अपडेट कैसे लगे दोस्तों, कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको एसएससी से जुड़े किसी भी, चाहे एमटीएस हो, सीएसएसएल हो, सीजीएल हो या एलडीसी हो या किसी में भी आपका समस्या है तो कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।